तो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज हमें प्रच्छा प्रतिमान की। आपके सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ चल रही हैं और उसमें एक टॉपिक है आपका प्रच्छा प्रतिमान। देखिए, हिंदी में जो शब्द हैं थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको। प्रच्छा का अर्थ होता है इंक्वायरी। प्रच्छा का अर्थ क्या होता है? इंक्वायरी। और प्रतिमान का अर्थ होता है मॉडल या प्रारूप। तो यानी प्रच्छा प्रतिमान यानी इंक्वायरी मॉडल क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, तब क्या हमारा बातचीत का तरीका रहना चाहिए उसके बारे में बताया गया। और ये एक अध्यापक के लिए बनती है। तो ध्यान रखें, यहाँ देखें प्रच्छा शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रच्छा शब्द का अर्थ है पूछताछ। आप पूछताछ कह सकते हो प्रच्छा से, आप इसे बातचीत कह सकते हो, बातचीत कह सकते हो, ठीक है। फिर अगर बात करें प्रतिमान की कि प्रतिमान शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए प्रतिमान शब्द का अर्थ आप योजना भी कह सकते हो इसे, आप इसे प्रारूप भी कह सकते हो और आप इसे तरीका भी कह सकते हो। तो इन दोनों शब्दों में देख लो, प्रच्छा यानी पूछताछ, प्रतिमान यानी योजना या तरीका। यानी पूछताछ या बातचीत करने का तरीका क्या कहलाएगा? प्रच्छा प्रतिमान कहलाएगा। अब इसकी अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न पेपर में यहीं से पूछ लिया है, दो तीन बार पेपर में आ गया ये। इसके प्रवर्तक पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसके प्रवर्तकों की ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो ये याद नहीं रहता, ठीक है। प्रच्छा का अर्थ होता है पूछताछ करना। और पूछताछ कौन करता है? मैंने आपके बारे में कह दिया कि फलाना फलाना आदमी झूठा है, और आप यानी उसकी पूछताछ करोगे कि यह आदमी वास्तव में झूठा है या गुरुजी ने कह दिया वैसे कह दिया। यानी आप उसकी सच्चाई का पता लगाओगे। इसीलिए इसका जो प्रवर्तक है उसे बोलते हैं हम सचमैन के नाम से जानते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? सचमैन। और इनका पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था रिचार्ड सचमैन, परंतु पेपर में आपको सचमैन मिल जाएगा, इतना बहुत है। यानी आप सच्चे जो आदमी होगा, सच्चा मैन मीन्स आदमी, सच मीन्स सच्चा, सच्चे आदमी की आपको क्या करनी है? पूछताछ करनी है। और इन्होंने ये प्रतिमान कब दिया था? तो देखिए, ये प्रतिमान इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था कब? 1962 में। स्टार्ट कब किया था? 1962 में इस प्रच्छा प्रतिमान के उन्होंने प्रारूप बना दिया था। परंतु स्वीकृति की बात करें या ऐसे शिक्षा में लागू करने के संदर्भ में बात करें तो ये प्रतिमान इन्होंने दिया था 1966 में। तो ध्यान रखना है आपको कि इस पर प्रच्छा प्रतिमान पर कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1962 में। और ये शिक्षा के क्षेत्र में कब लागू किया गया? 1966 में, ठीक है। तो प्रवर्तक कौन थे? रिचार्ड सचमैन, प्रच्छा प्रतिमान के, ठीक है। अब प्रतिमान शब्द अगर इसकी बात करें अपन, प्रतिमान शब्द क्या है? प्रतिमान शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था प्रारूप या योजना या तरीका। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप कक्षा में क्या करवाते हो, बालकों को शिक्षण करवाते हो, तो शिक्षण की उन योजनाओं से जिनका निर्माण शिक्षक के द्वारा होता है, ठीक है। यानी प्रारूप का अर्थ हो गया कि आप कोई भी कक्षा में जाओगे उससे पहले आप अपने माइंड में एक प्रतिमान बना दो, एक तरीका बना दो कि मुझे इस कंसेप्ट को कैसे पढ़ाना है बालक को। तो शिक्षण की उन योजनाओं से है जिनका निर्माण कौन करता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और इन योजनाओं से जब ये योजना आप बना रहे हो और शिक्षक ने उसका निर्माण कर लिया, तो इन योजना जो आपने प्रारूप बनाया है या जो आपने योजना बनाई है, इन योजनाओं का शिक्षण जब आप पढ़ा रहे हो, आपने योजना बना ली कि मैं, जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे मारना प्रताप पढ़ाना है,
अब आप महाराणा प्रताप पढ़ाने की योजना बना चुके हैं कि मुझे कैसे पढ़ाना है महाराणा प्रताप। अब आप क्लास में जाओगे, क्लास में जाकर आप क्या करना है, आपको उस समय किस प्रकार आपको महाराणा प्रताप को प्रस्तुत करना है और किस प्रकार बालकों से एक्टिविटीज करवानी है। जैसे आप कक्षा में गए जाते हैं, आपने कहा भी आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, हाँ तो कौन कौन महाराणा प्रताप के बारे में जानता है, बच्चों से महाराणा प्रताप के बारे में जानने का प्रयास करोगे। महाराणा प्रताप कौन थे बेटा, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के कौन किस साइड से संबंधित है, किस संभाग में आता है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे कि ये किसके अंतर्गत आती है। ये प्रच्छा प्रतिमान के अंतर्गत आपने पहले बना लिया और उसी के संदर्भ में हम इसकी चर्चा करें। तो यानी इन योजनाओं का शिक्षण संबंधित समस्त क्रियाओं का उल्लेख होता है, कि शिक्षण की इन योजनाओं से जिनका निर्माण शिक्षक ने किया, आपने योजना बना ली मुझे ये पढ़ाना है, और उन योजनाओं का किस प्रकार पढ़ाना है, उन क्रियाओं का इसमें उल्लेख होता है। अगर मैं इसका दूसरे शब्दों में कहूं, इसके मैं अगर इसको और कहना चाहूं तो मैं इसी को एक स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, यानी आप इसे बोल सकते अर्थात, यानी शिक्षण की वह योजना, सिंपल भाषा में शिक्षण की वह योजना या योजनाएं, क्यों एक नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ब्लैक बोर्ड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो बहुत सारी होगी, शिक्षण की वह योजनाएं जिनमें शिक्षण से पहले आपने पढ़ाया नहीं है, उससे पहले शिक्षण से पूर्व से लेकर पूर्व से लेकर शिक्षण कराने के उपरांत तक, शिक्षण के उपरांत तक जितनी भी क्रियाएं हों शिक्षण की, आपने घर पे बनाई पूर्व योजना होगी, शिक्षण करवा दिया, उसके बाद में भी उपरांत तक की क्रियाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रारूप कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा, योजना कहलाएगी या तरीका कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रतिमान शब्द का अर्थ था, परंतु अपने को टॉपिक तो पूछना था प्रच्छा प्रतिमान, तो हम प्रच्छा प्रतिमान क्या है तो देख लेते हैं कि प्रच्छा प्रतिमान क्या है। प्रतिमान शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया, मॉडल बना लिया कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके बाद में बच्चों ने कितना ग्रहण किया, शिक्षक शिक्षण के उपरांत उन चीजों का ज्ञान करना मॉडल है आपका। परंतु प्रच्छा प्रतिमान क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वही है शिक्षण का वह प्रतिमान जिसमें शिक्षण की योजनाओं को शिक्षण के उद्देश्य से हल किया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने घर पे सोचा कि कल मुझे क्या पढ़ाना है, महाराणा प्रताप पढ़ाना है, या आपने सोच लिया कैसे पढ़ाना है, ये सारी क्रियाएं आपने घर पे कर ली कि मुझे क्लास में जाते ये करना है, ये सारी क्रियाएं, ये तो आपका प्रारूप बना लिया आपने, परंतु क्लास में प्रच्छा प्रतिमान क्या हुआ, आपने क्लास में जाके पूछा महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या जानते हो, ये बातचीत हुई बालकों से और बालक उसके बारे में आपको बताएंगे कि महाराणा प्रताप के बारे में ये जानते हैं, कौन था महाराणा प्रताप, तो ये चीजें क्या कहलाएगी, प्रच्छा प्रतिमान कहलाएगी, ठीक है ना, कि तुम्हारी हसरतें तो अलाउद्दीन खिलजी जैसी हैं परंतु तुम्हारे कर्म तो जगमाल जैसे हैं। छोटी सी बात कही है और इसको गंभीर रूप से अगर हिस्ट्री से आप जोड़ के देखोगे तो बहुत बड़ी बात है कि काका आकांक्षाएं हमने बहुत बड़ी कर रखी है अलाउद्दीन खिलजी की तरह, परंतु हमारा कर्म क्या है, जगमाल की तरह, काम नहीं करना, आनंद लेना। तो यानी वो चीजें सारी क्या है, प्रच्छा प्रतिमान के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहां बात करूं कि जो प्रतिमान है, हमने प्रच्छा प्रतिमान की बात की है, प्रच्छा प्रतिमान तो ये क्यों है, या इसकी बात करें इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, तो प्रच्छा प्रतिमान का उद्देश्य है नंबर
की बात करें तो ये आता है शिक्षण वातावरण को तैयार करना, कि आपने बालक को कैसे पढ़ाना है, क्लास में बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, रटन प्रणाली से देनी है या बालकों को डीपली ज्ञान करवाना है। तो नंबर एक की बात करें, इसका उद्देश्य ये होता है कि शिक्षण का वातावरण क्या हो, बढ़िया हो। फिर नंबर दो की बात करें तो इसमें शिक्षण के साधन क्या क्या हैं, शिक्षण के साधन क्या क्या हैं। अब शिक्षण के साधन क्या होंगे, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया है शिक्षण के साधनों को। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एक तो आती है आपकी सहायक सामग्री, ठीक है ना, एक तो सहायक सामग्री आ जाएगी और एक आपकी आ जाएगी जो आप पढ़ के जाओगे शिक्षण विधियाँ। अब कैसे, तो देखो आपने जब शिक्षण करवा रहे थे उस दौरान आपने किन किन साधनों का प्रयोग किया, तो आपने ब्लैक बोर्ड का किया, मैप का किया, चौक का किया, डस्टर का किया, आपने बालकों को कोई फोटो दिखाई, आपने दृश्य सामग्री का प्रयोग किया, सर्वे सामग्री का प्रयोग किया, वो आपकी क्या कहलाएगी, सारी शिक्षण सामग्री यानी सहायक सामग्री। आपने किस मेथड से पढ़ाया, बालकों को करके सिखाया या व्याख्यान विधि से पढ़ाया या आपने कहानी विधि से पढ़ाया, तो वो चीज़ शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण के दो साधन हो सकते हैं, एक तो आप व्याख्यान विधि में बालक निष्क्रिय रहता है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, तो आपने किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया, तो ये शिक्षण के साधन होते हैं। और नंबर तीन की बात करें तो नंबर तीन में आता है, यानी शिक्षक जब पढ़ा रहा था तो शिक्षार्थियों, शिक्षक शिक्षार्थी जो ग्रहण कर रहे थे उनकी क्रियाएं क्या थी, यह भी क्या प्रचा प्रतिमान का है। आप पढ़ा रहे थे, बालकों को नींद आ रही थी पीछे, ऐसा क्या कैसे हो सकता है, तो बालक क्या आप जो शिक्षा देनी चाह रहे हो क्या उसके पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसे वो पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो जब बालकों को शिक्षा दी जाए तो उन्हें क्रियात्मक रूप से दी जाए, न कि उसे कोई रटन प्रणाली से दी जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, समझ में आ गई बात आपको। फिर अगर बात करें कि प्रतिमान जो अपन कर रहे थे, कोई भी प्रारूप निर्माण करते हैं या प्रच्छा प्रतिमान की बात करें, तो प्रच्छा प्रतिमान के निर्माण के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, निर्माण के आवश्यक तत्व, यहाँ से प्रश्न बनता है कि आवश्यक तत्व नहीं है, प्रश्न ये बनता है आवश्यक तत्व कौन कौन से जिनको मैं डीपली करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए प्रच्छा प्रतिमान के आवश्यक तत्वों की बात करें तो नंबर एक पे आता है कि आपने जो भी प्रतिमान बनाया है उसका उद्देश्य क्या है, नंबर एक पे उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। नंबर दो की बात करें, नंबर दो पे वो उद्देश्य बनाया गया तो किस तरह से उसकी संरचना की गई है, दो नंबर पे आता है संरचना। फिर आपने उस बालक को कैसे सिखाया और वो सीखने के बाद समाज में कैसी प्रक्रिया कर रहा है, तो नंबर तीन पे आता है सामाजिक प्रणाली कह दो, सामाजिक प्रक्रिया कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चार नंबर पे आता है अवलंब, ये शब्द आपको साइको का लगता है, अवलंब प्रणाली, अवलंब का अर्थ होता है सहायक सामग्री, एक ही बात होती है, अवलंब कह दो परंतु पेपर में अवलंब ही मिलेगा तो मैं अवलंब ही करवा रहा हूँ, अवलंब, ठीक है, ये वह है, पे नहीं है, ये वह है। और पांच नंबर पे जो चीज़ आपने बालक को सिखाई उसकी क्या उपयोगिता रही, इसीलिए पांचवा चरण आपको देता है उपादेयता का, ठीक है। तो देखो प्रतिमान निर्माण के आवश्यक तत्व कितने हैं, पांच हैं, समझ में आई बात। अब क्या क्या हैं, किस तरह से हैं ये, तो देखते हैं किस तरह से है, ठीक है। तो नंबर एक की बात करें, नंबर एक में उद्देश्य, इसको डीपली समझ लेते हैं क्या है, कि प्रतिमान के द्वारा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि प्रतिमान के द्वारा, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके अगर वो याद है तो आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिस दिन ये सिलेबस कंप्लीट होगा आपको खुद को महसूस होगा कि सामाजिक शिक्षण की विधियाँ मैंने पढ़ी हैं वास्तव में, और अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो देख लें प्रतिमान के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, यानी आपने कोई मॉडल बनाया उसका उद्देश्य ये रखा कि देखो मैंने एक उद्देश्य बनाया कि अब की बार मुझे बच्चों को मैंने जो YouTube पे मेरे बच्चे हैं, पिछली बार मैंने लगभग 400 सिलेक्शन दिए थे, अब के बार मुझे उन बच्चों को 800 करना है, 800 सिलेक्शन देने हैं, तो मैं बच्चों को कैसा मैटर दूं, वो मेरा उद्देश्य था। और वो उद्देश्य किस तरह से पूरा हो सकता है,
तो मैं बालकों को कैसे पढ़ाऊं, मुझे उन्हें क्या चीज़ देनी चाहिए, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, वो बढ़िया मैटर निकालना है। वो चीज़ क्या कहलाएगी कि प्रतिमान के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सर्वप्रथम निर्धारित करते हैं। कोई भी कार्य करो सर्वप्रथम निर्धारित कर लिया जाए कि मुझे बालकों को, मुझे पैसे कमाने का कोई लोभ नहीं है, मैं आप मेरी संदर्भ में कह रहा हूँ कि मुझे पैसों का कोई लोभ नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, तो मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर मेरे इस पढ़ाए हुए मैटर में से आएगा तो मुझे अपने आप या आपके द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाएगा वो मेरे लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको उद्देश्य निर्धारित करना है। इससे क्या होगा, इससे बालकों में मानसिक क्षमता मैंने आपको पहले भी बताया था। मानसिक क्षमता कौन सी, एक जैसे बालक की तर्क शक्ति कि क्या है क्या नहीं है, बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन, ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया, चिंतन विश्लेषण, ये चीज़ ऐसे क्यों है कैसे है इस चीज़ का सारे डिटेल विश्लेषण, समस्या समाधान, ये मानसिक योग्यताओं में आता है, समस्या समाधान का विकास करना है अपने को। तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, जैसे कोई भी चीज़ है तो बालक में क्या होनी चाहिए, तर्क शक्ति, जो पढ़ा दिया वो करवा दिया, चिंतन वो क्यों कैसे, विश्लेषण पूरी समस्या का समाधान या विकास करना। अब देखिए ये चीज़ें जब अध्यापक पहले ही उद्देश्य में निर्धारित कर लेगा तो वो जो पढ़ाया जाएगा शिक्षण करवाया जाएगा वो सबसे बेस्ट होगा। और इसी के संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात मेरी पर्सनली भी कर लेता हूँ आपसे कि मैंने एक अपना फेसबुक पे है जीके राय जोड़ के नाम से एक पेज है, कल ही बनाया है, इसको स्टार्ट कर लेना आप। इस पर डेली मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जो आपके दिमाग की बत्तियाँ जला देगा, आपके पास उसका उत्तर होगा परंतु गलत होगा, क्योंकि प्रश्न मैं इसमें ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम ही सोचते हैं इसका उत्तर यही था परंतु ये कैसे हो गया, ऐसे प्रश्न। ये अपना पेज है फेसबुक पे, और फेसबुक भी बाकी मेरे वैसे रिक्वेस्ट मत भेजना चाहिए क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी नहीं। तो आप इस पेज को लाइक कर लेना, इस पे मैं डेली 6 बजे प्रश्न डालूंगा सुबह और शाम के 6 बजे इसका उत्तर पूरी विश्लेषण के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये फेसबुक पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, ये FB अकाउंट है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं प्रश्न एक ही डालूंगा डेली का परंतु प्रश्न आपकी आंखें खोलने वाला होगा। नंबर 2 की बात करते हैं, संरचना, ठीक है। संरचना का अर्थ अगर मैं सीधा सा कहूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रियाकलाप। संरचना का दूसरा, कई बुकें लिखती हैं क्रियाकलाप, तो संरचना ही है वो। अब क्या है कि हमने क्या किया, उद्देश्यों का निर्धारण किया था, किया उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उद्देश्यों की क्या करनी है अपने को, प्राप्ति। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के द्वारा जो कार्य किए जाने हैं वे क्या कहलाएंगे, संरचना कहलाएगी। आपने उद्देश्य निर्धारित किया, कक्षा में आ गए, बालकों से क्रियाकलाप करवा रहे हो, अर्थात क्या करवा रहे हो, संरचना, प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति क्या कहलाएगी, शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जैसे आपने बालक को कह दिया, एक प्रश्न दे दिया तो बालक क्या करेगा, उसकी खोज करना, अनुसंधान करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये सारी क्या हैं, क्रियाकलाप है। जैसे बहुत सारे, जैसे सामाजिक विज्ञान में लगभग ये शिकायत रहती है कि सर डाटा याद नहीं रहते, सन याद नहीं रहते, तो कैसे याद करें, तो वो अलग अलग मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में लूँ तो मुझे ऐसे याद है कि 17 का पाड़ा आपको 3 तक पढ़ना है, 17 का पाड़ा आपको 3 तक पढ़ना है, तो 3 तक पढ़ेंगे तो कितने आएंगे, 17 34 17 51, परंतु मेरे पाड़े में 1750 होगा। 1750 में प्रथम बार अशोक का शिलालेख खोजा गया था, अब मैंने ऐसे याद कर दिया। दूसरी बात करें कि इसे पढ़ा कब गया, तो देखो 17 के बाद क्या था, 18 का पाढ़ा पढ़ लो 2 बार, ये 3 बार पढ़ा, ये 2 बार पढ़ लो, 18 18 दूना 36,
36 ये घट गया था, एक यहाँ बढ़ा दिया, 1837। 1837 में क्या हुआ था, 1837 में क्या हुआ था, तो 1837 में यहाँ तो खोजा गया था अशोक का शिलालेख और यहाँ सबसे पहली बार पढ़ा गया था अशोक का शिलालेख। तो ये अपने अपने खोज करना, अनुसंधान, नए नए तरीके जो किताबों में नहीं होते, तो अध्यापक क्रियाकलापों से उसे याद करवा देता है, ठीक है ना। नंबर तीन की बात करें, नंबर तीन में है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली का अर्थ है कि इसके अंदर सामाजिक, समाज शब्द का अर्थ क्या है, मैं अगर बात करूं समाज क्या सिखाता है, समाज हमें सिखाता है कि आपका दायित्व क्या है, ये सिखाता है ना कि आपका कार्य क्या है और उन दायित्वों का आपको क्या करना है, निर्वहन करना है, बस ये इसमें लागू कर लो। सामाजिक प्रणाली में क्या करना है, इसमें जो शिक्षक, इसमें कौन होगा, शिक्षक होगा और कौन होगा, शिक्षार्थी होगा, शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिकाओं, शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिकाओं, या इसे कह सकते हो जिम्मेवारी, ठीक है ना, या इसे आप कह सकते हो दायित्व, क्या कह सकते हो, दायित्व, दायित्वों का क्या करना है आपको, विभाजन करना है और वही आपकी क्या कहलाती है, सामाजिक प्रणाली कहलाती है, ठीक है, सामाजिक प्रणाली कहलाती है। अब कैसे, एग्जाम्पल में समझ लूं, जैसे एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है, सामाजिक दायित्व क्या है, शिक्षक का सामाजिक दायित्व क्या है, शिक्षक का सामाजिक दायित्व यह है कि वो कोई भी चीज़ है उसकी क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, बालक को कैसे पढ़ाया जाए उसकी व्यवस्था करेगा। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, शिक्षक का दायित्व है कि बालकों को शिक्षा से वंचित न किया जाए, इसीलिए आज हर मोबाइल पे वर्क आ रहा है बच्चों का, ये उसकी व्यवस्था है। अगर बालक शिक्षार्थी उसमें क्या करेगा, उस व्यवस्था में बालक क्या करेगा, सहयोग करेगा, तो उसमें शिक्षार्थी की भूमिका क्या रहेगी, सहयोगी की रहेगी, और शिक्षक की क्या रहेगी, व्यवस्थापक की रहेगी, कि बालक जो लॉकडाउन में कार्य दिया जा रहा है बालक उसे करेगा तो वो सहयोगी, अन्यथा वो सहयोगी नहीं। समझ में आई बात। अब देखते हैं नंबर चार पे, नंबर चार पे था अपना अवलंब, अवलंब सामग्री, ये था ना अवलंब, सॉरी प्रणाली थी, अवलंब प्रणाली, आप इसे बोल सकते हो सहायक सामग्री। इसे समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। ये इसमें उन साधनों के बारे में बताया जाता है, उन साधनों को बताता है जो शिक्षण, जो शिक्षण प्राप्ति के दौरान, प्राप्ति के दौरान, दौरान प्रयुक्त हुए, कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था या चार्ट पे समझाया था, यानी यहाँ आप लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड या चार्ट पे समझाया, जैसे ज्योग्राफी वाला चार्ट पे समझाएगा, ब्लैक बोर्ड पे बढ़ा के आपको सिखा दिया कि ये देखो इधर, जैसे ये राजस्थान है बेटा इस तरह, ठीक है ना, ये राजस्थान का ये भाग था, मेवाड़ कहलाता था इस तरह, और मेवाड़ में यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म, इस तरह से अगर समझा रहे तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहा है। तो यानी जो सामग्री उसने यूज की, अब ये समझाने के दौरान मैंने किस चीज़ का यूज किया, ब्लैक बोर्ड का यूज किया, मैंने मैप का भी यूज कर सकता हूँ, पेन का यूज किया है, डस्टर का यूज किया है, ठीक है ना, ये चीज़ें सारी किस में आएंगी, अवलंबन प्रणाली में आएंगी, ठीक है। और लास्ट थी आपकी उपादेयता, कि उपादेयता क्या है, कि सीखा ज्ञान किस प्रकार आपके लिए उपयोगी है, कि जो चीज़ आपने सीखी, कि सीखा ज्ञान किस प्रकार, किस प्रकार उपयोगी है, कि जो ज्ञान आपने सीखा है वो किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। अगर ऐसा करेगा, अगर बालक ने जो चीज़ सीखी है उसका सार सीख लिया, अर्थात उसमें मानसिक शक्तियों का क्या हो गया, विकास हो गया, मानसिक शक्तियों का विकास हो गया, मानसिक शक्तियों का विकास हो गया, अर्थात जैसे अभी हम देखते हैं, अब आजकल चल रहा है क्या, रामायण चल रहा है, सभी देख रहे हैं रामायण सीरियल देख रहे हैं, और एक तरफ चल रहा है महाभारत,
अब देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है जीवन में, आपने क्या सीखा है इनसे। तो देखिए रामायण से मैंने क्या सीखा है, मैं अपने बता देता हूँ कि अगर आप त्याग करोगे, आप किसी वस्तु को त्याग दोगे, तो आप त्यागोगे तो सबके साथ आपको क्या मिलेगा, प्रेम मिलेगा। त्याग करने से क्या मिलता है, प्रेम। तो हर घर में क्या होगी, रामायण होगी। हर घर कैसा होगा, रामायण जैसा। आपको कोई वस्तु नहीं मिली, आपने उसको त्याग दिया, तो वहाँ पे किसकी भूमिका होगी, रामायण की। और आपको कोई वस्तु नहीं मिली और आपने उसका त्याग नहीं किया, और अगर आपने मांग ली, अपना हक मांग लिया, तो उस घर में क्या होगी, महाभारत होगी। ये सीखा है, ये हमारे जीवन में क्या उपयोगी हुई कि हमेशा वस्तु का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, जिससे क्या नहीं होगा, घर में कलेश नहीं होगा। अगर राम उस समय त्याग नहीं करता कि मैं तो वनवास नहीं जाऊँगा, तो घर में क्या कलह नहीं होती, होती। प्रेम, त्याग, ये सब चीज़ें रामायण में सिखाई गई। और महाभारत में क्या सिखाया गया कि अगर हक की चीज़ मांगोगे तो हक नहीं मिला तो क्या हो सकती है, महाभारत हो सकती है। दोनों कंसेप्ट अलग अलग थे, ये हमारे जीवन में क्या दिखा रही है, उपाय देता यानी उपयोगिता को दर्शा रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप FB पर जाकर अपने चैनल को लाइक कर लेना, और वहाँ पर डेली का एक क्वेश्चन दूंगा, और जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे, धन्यवाद।